सो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं एक्सीवी 700 यूज कर रहा हूँ और मुझे 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। आज के डेट में मैं ये देखता हूँ कि इतनी अच्छा पैकेज आज तक अल्टरनेटिव अनफॉर्चुनेटली नहीं आई है। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज मैं ऐसा सोच रहा था कि इतनी अच्छी कार है, क्यों नहीं इसके साथ साथ एक चलता फिरता टेलीविज़न, चलता फिरता कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी फैसिलिटी हो जाए। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं स्मार्ट डैश कैमरा यूज करता हूँ अपने कार में, उसको भी मैंने अपग्रेड किया है, राइट। उसके साथ साथ कुछ एक मैं दूसरा मैंने आज आइटम मंगवाया है, वो इतना इम्प्रेसिव है, हैप्पी टू से कि मैंने वो पहला यूनिट टेस्ट करने के लिए अपने पास मंगवाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसी है क्या चीज़, कैसा फील आता है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। इसको आप या तो डैश कैमरा बोलें, 24/7 आप कहीं पे भी गाड़ी को, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कैसी जगह पे मैं रुका हुआ हूँ, गाड़ी छोड़ भी दिया जाए तो भी हमारे मोबाइल पे फीड आएगा अगर कोई चक्कर मारे या कोई भी हैम्पर करने का, नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, एक नंबर। दूसरी बात, इसके साथ साथ इसके अंदर 4G सिम कार्ड लग जाता है, उसके साथ अगर लोकल हॉटस्पॉट, उसके अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट है जो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इसके अंदर 5 GHz का वाईफाई है, तो हाई स्पीड डेटा नेटवर्क आपको एक मिलता है ऑन द गो। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, इसके साथ YouTube और जितने भी आइटम हैं वो आप ऑन द गो मैच वगैरह भी देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में देखेंगे। इसके साथ एक और अच्छी बात यह है कि इसका जो स्क्रीन साइज है 10.25 इंच का स्क्रीन है। जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ है जिसके कारण एक्सीवी 700 आज तक सबसे अलग है, 10.25 इंच का स्क्रीन, 1+1, दो अलग अलग इंटरफेस में है। इसी तरह जिन किसी कार में ऐसा इंटरफेस नहीं, उनको अगर लगाना हो तो उसके लिए एक वाइड स्क्रीन इंटरफेस, ये है जो आज मैंने मंगवाया, हालांकि इसका पर्पस डिफरेंट है। इसके साथ साथ इसमें ये इंटायर एंड्रॉयड इंटरफेस है, तो एंड्रॉयड में भी बोलें तो एंड्रॉयड 10 का इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाईली ट्यून्ड है। इसके साथ साथ इसके रैम में भी अपग्रेड है, 4GB का इसका LPDDR4 रैम है, इसके साथ इंटरनल मेमोरी 64GB, और इसके अंदर मैंने जो टेस्ट किया है मेमोरी कार्ड सपोर्ट का, वो 256GB का मैं इसके अंदर टेस्ट मैंने किया है, लेकिन ऑन पेपर 128GB इसको लिखते हैं, राइट। सो गाइज, आइए आज इस डिवाइस को दिखाते हैं कि क्या इसके अंदर है और कैसे ये कनेक्ट होता है और चलने में ये कैसा दिखता है, ये सारे मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ इसको ले करके, और किस तरह से इसको प्लेस करेंगे सारी चीज़ें आज के वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस तरह के काफ़ी सारे यूजफुल वीडियोज़ के अलर्ट आपको आते रहेंगे, सो प्लीज़ कम। तो सबसे पहले इसका आपको बॉक्स दिखाता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ा आपको 10.25 इंच का, मतलब जैसा सोचते हैं कि स्क्रीन का जो बाउंड्री होता है उसको भी आप स्क्रीन में काउंट कर लेते हैं, उसके चलते आपको लगता है कि बल्कि होगा, नहीं। बट इसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे SRS एब्सोल्यूट का, ये सारे पैकेजिंग वगैरह, GPS नेविगेशन, इसके अंदर जो हार्डवेयर आता है ना वो डेडिकेटेड GPS, और इतना इफेक्टिव है, मैं अभी एक ड्राइव किया था, इवन इसका जो दूसरा वर्जन है मैंने अपने गाड़ी में अपग्रेड किया हुआ है वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का है, इट इज़ जस्ट स्क्रीन छोटा है, राइट। और एक फीचर कम है, मिरर कास्ट उसके अंदर नहीं है। तो उसके लेके मैं अभी एक बीच पे गया था तामिनी घाट से होते हुए, तो घाटी से आप कभी भी जाते हैं तो वहाँ पे सिम भी नहीं काम करता है, नेटवर्क नहीं, तो वहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि इसके अंदर साइजिक इंस्टॉल किया है, साइजिक में ऑल इंडिया का, नेपाल का और जितना आसपास के कंट्रीज हैं सभी का मैप मैंने डाउनलोड करके रख दिया है, और वो इतना एक्यूरेट बताता है कि आगे सॉफ्ट टर्न है, आगे हार्ड टर्न है, बहुत सही गियर चेंज करने का इंस्ट्रक्शन देता है, तो बहुत ही यूजफुल लगा।
उसको अगर इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे तो आई एम यू नो सुपर हैप्पी कि इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का आने वाला है, दैट इज़ फॉर शो। बॉक्स में अगर देखेंगे तो इस टाइप का मॉडल नंबर है। इसका जो मॉडल है गाइज ये है S10 स्मार्ट 4G प्रो मॉडल है। इसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे गाइज तो इसके अंदर ये जो है थर्ड जनरेशन का स्मार्ट डैश कैमरा है, जो SRS का जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, जो कि इसके पहले मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा था, टेस्टेड है वो भी, और बस उससे ज़्यादा इम्प्रूवड और स्टेबल और हाई यू नो कॉन्फ़िगरेशन का ये थर्ड जनरेशन है। और इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार ऐड किया गया है, तो विच इज़ ऑल्सो एडिंग टू दिस थिंग। 4 एम्पियर का USB टाइप सी का चार्जर है, एक रिवर्स कैमरा साथ में आता है Full HD का, और आगे का जो कैमरा का रेजोल्यूशन है वो भी Full HD का है। वायर हार्नेस है, आगे से पीछे तक वायर कैसे लेके जाएंगे ये सारा इन पैकेजिंग आता है। एंड एक माउंटिंग स्टैंड ब्रैकेट है और एक इसके अंदर मैनुअल है। एक चीज़ और आप अगर इसमें गौर करेंगे, यहाँ पे सभी जगह आपको दिख रहा है QR कोड प्रोटेक्टेड, तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। भाई ये LED स्क्रीन हो गया, और इसके साथ यहाँ पे इसको मैं निकालता हूँ जरा से, पहले तो ये हो गया LED स्क्रीन, इसको जरा सा केयरफुली इधर रख दिया। एंड इसके बाद ये आ जाता है, एक ये है USB टाइप सी का हार्डवेयर, यस टाइप सी ही है। एंड इसके बाद ये है रिवर्स कैमरा, ये 1080p रेजोल्यूशन का रिवर्स कैमरा है, QR कोड भी लगा हुआ है इसके ऊपर, गुड। नाउ इसके बाद एक डेडिकेटेड हार्डवेयर GPS है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल जब आप यू नो घाट वाले एरिया में ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए नेटवर्क नहीं भी है तो भी मस्त काम करता है। एंड इसके साथ में आता है एक माउंटिंग, तो ये माउंटिंग का, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, बहुत ही अच्छा एक यू नो आइडिया है मेरे माइंड में, मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद फिर ये है मैनुअल, इफ़ यू लुक एट द मैनुअल, इसके अंदर लिखा है गाइस 8 कोर। सो ये 8 कोर का प्रोसेसर इसके अंदर आता है, 4 GB का रैम LPDDR4, 64 GB का हाई स्पीड इसके अंदर स्टोरेज आता है, सो दिस इज़ वेरी गुड। ये यूजर मैनुअल है 4G 1080p का है, ये सारे डिटेल इसके अंदर दिए हुए हैं, प्रोसेसर का कौन सा प्रोसेसर है, क्या कितना पावर लेता है, क्या इसका बैंड वगैरह है, इंटायर थिंग दिया हुआ है। इट्स लाइक मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से भी एक स्टेप ऊपर आप बोल सकते हैं, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन का भी है। ये जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि 2 पैटर्न में है, फॉर्चुनेटली मैंने दोनों लगाया हुआ है, मतलब एक वो सामने लगा हुआ है ऑलरेडी छोटा वाला, वो क्लिप ऑन करके रहता है, और ये डैशबोर्ड वाला मॉडल है। इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा रहती है, वो है मिरर, स्क्रीन मिरर का, मोबाइल के स्क्रीन को कॉपी कर सकते हैं, बाकी इंटरफेस बिल्कुल सेम है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। आइए इसको अंदर लेके चलते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। अब फाइनली मैं गाड़ी में आ गया हूँ। ये है इसके साथ में जो आता है, ये है अडाप्टर, तो ये अडाप्टर 4 एम्पियर का है, USB-C टाइप का अडाप्टर है। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी जो आप ऊपर देख पा रहे हैं ये डैश कैमरा, ये सेम है, आप इसका इंटरफेस भी सब कुछ इंटायरली चेंज है। और मैं इसको यूज़ यू नो अभी ऑफलाइन ड्राइविंग के लिए किया था घाट के अंदर, बहुत ही प्रिसाइजली ये बताता है, तो दिस इज़ वेरी नाइस। आप देख सकते हैं कितने सारे मैंने एप्लीकेशन वगैरह भी इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत मस्त है ये, तो एकदम रगेड है वाकई। ये भी ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट का है जितने का ये वाला बड़ा वाला स्क्रीन आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है ये भी USB-C टाइप का है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, सेम कनेक्शन फॉलो करना होता है जो हमारे प्रीवियस वाले के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ कैमरा भी यू नो 1080p का है, तो मैंने 1080p का एक कैमरा हमारे गाड़ी में ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं आपको बैक साइड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कैमरा, ये अभी के लिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, ऑलरेडी लगा हुआ है। GPS भी सेम आप देख पा रहे हैं वहाँ पे आगे के कॉर्नर में लगा हुआ है, तो ऊपर से वायरिंग पास होकर के और वो ए पिलर से अंदर होकर वहाँ सीधा निकल जाता है, तो GPS भी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, कैमरा भी लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे डिवाइस लगाने की ज़रूरत है इसको टेस्ट करने के लिए। और ये है इसके साथ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था, अभी पहले मैं डिवाइस देता हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार ऐसा होता है कि इट इज़ लाइक TV, राइट, इसके अंदर सिम कार्ड है, इसके अंदर नेटवर्क है, तो इट इज़ लाइक मोबाइल फ़ोन। तो आप इसको कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम घर लेके जाना चाह रहे हैं डिवाइस को, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कहीं गए, तो ये क्लिप ऑन है। अब जैसे ये है इसका साथ जो स्टैंड है, इसका स्टैंड के ऊपर ऐसे रख देंगे
और ये इस तरह से लॉक हो गया। अभी आप इसको टाइट करके फिक्स कर दीजिए, जहाँ पे डबल साइडेड स्टिकर भी है तो चिपका भी सकते हैं, और नहीं तो चार होल करके स्क्रू भी आता है तो स्क्रू कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ इसके अंदर पोर्ट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखें गाइस कि यहाँ पे एक जीपीएस पोर्ट आपको दिख रहा है, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा देखेंगे सिम कार्ड का एक पोर्ट है, और सिम कार्ड के बाद ये एक मेमोरी कार्ड का पोर्ट है, और उसके बाद ऑडियो वीडियो इन 2.5 mm का इंटरफेस है जो पीछे के कैमरा में भी लगा हुआ है, सेम है इसमें लगाने वाला हूँ, और एक टाइप सी का इसके अंदर पावर के लिए ये है। अब ये सारे कनेक्शन जो है मैंने कर लिया, और इसको देखिए स्टेपर है, स्टेप बाय स्टेप ये होता है। ओ माई गॉड, लुक एट दिस क्लैरिटी, देखिए गाइस ये लाजवाब है वाकई। अब इस पर डबल टच सिंगल टैप करेंगे तो बैक साइड का ये व्यू दिख रहा है। तो बैक साइड का अगर आपको ये देखेंगे ना तो देखिए क्लैरिटी कैसी दिख रही है, थोड़ा सा पास में लाने की कोशिश करो, देखिए बैक साइड का क्लैरिटी कैसा आ रहा है। एंड आगे का जो है, आगे फिर से टैप किया तो ड्यूअल मोड आ गया, आगे का भी पीछे का भी दोनों एक साथ, और जिस स्क्रीन पर टाइप किया वो फुल स्क्रीन में आ गया। ऊपर नीचे भी होता है क्या? नहीं, ओके। सो क्लैरिटी बहुत मस्त है। अब इसके साथ मैं इसमें जरा सा बाकी, इसके अंदर एडास भी है, ओ माय गॉड। तो ये जो लोगो देख रहे हैं ना, ये जो आपको डायरेक्शन का दिख रहा है वाइट लाइंस दोनों, तो इसके अंदर एडास अलर्ट भी आते हैं। एडास गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको अलर्ट आता है वॉइस से कि आपको धीरे करने की ज़रूरत है या चेंजिंग लेन टाइप का ऐसा बोल के। लेकिन इसको आप अगर अनवाइंग लग रहा है तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। ये तो मैं सेम यूज कर रहा हूँ तो सेम इंटरफेस है, इसके लिए कुछ नहीं। फोटो ये कर सकते हैं, माइक ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से कुछ सेटिंग वगैरह में छेड़छाड़ करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलिजन लॉक है, तो इसके अंदर जी सेंसर है, तो स्ट्रीम मीडिया को ऑन करेंगे तो रिमोटली अपने घर से भी गाड़ी कहीं पर भी लगा हुआ है तो गाड़ी के चारों तरफ, मतलब आगे पीछे इस 2 चैनल वाले में, और 4 चैनल का होता है तो चारों तरफ हो जाता है कि क्या चल रहा है, उसके अलर्ट आपके मोबाइल पे आ जाते हैं। कोलिजन लॉक सेंसिटिविटी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, एडास का सेंसिटिविटी हाई लो मीडियम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं इसको हाई करके ही रखता हूँ। स्पीड यूनिट कैसा स्पीड का, ये आपको माइल्स पर आवर चाहिए या किलोमीटर पर आवर, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर हाइट एडजस्टमेंट का इसके अंदर फीचर दिया, विच इज़ वेरी नाइस। तो अगर किसी जगह पर आप फिक्स कर दिए है कैमरा को और सेंटर में यू आर नॉट श्योर कि सेंटर में है कि नहीं, तो उसके लिए एडजस्टमेंट है दोनों कंसोल के लिए, हेडलेस कार वगैरह। कैमरा फ्लिप करना है, सपोज आप चाहते हैं कि इसको उल्टा लगाएं, तो कैमरा को उल्टा लगाएं तो उसको आप फ्लिप कर सकते हैं यहाँ से। बाकी होम पे जाते हैं, ओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। इसके अंदर आपका नेविगेशन है, गूगल मैप्स है, इतने बड़े स्क्रीन में गूगल मैप्स चलेगा, माय गुडनेस दिस इज़ वेरी नाइस। देखिए हमारे लोकेशन भी ले लिया, गुड, ठीक है। ओह फास्ट, काफ़ी फास्ट है। ब्लूटूथ इसके अंदर 5.0 ब्लूटूथ आता है, तो इसको दो तरह से ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वॉइस आप ब्लूटूथ अपने गाड़ी में दे सकते हैं या गाड़ी से इसमें भी, मतलब मोबाइल से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो बोथ वेज कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। सो इसके अंदर ब्लूटूथ प्रोफाइल काफ़ी सारे होते हैं, इक्विपमेंट मैंने ब्लूटूथ म्यूजिक वगैरह गाने भी बजा सकते हैं, वाह सही। मिरर लिंक, ये चीज़ मैं बता रहा था कि इसके अंदर मिरर लिंक फीचर एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके 12 इंच के मुकाबले में। अदर देन दैट इसमें कार प्ले इसके अंदर भी है, एंड्रॉयड एप्पल कार इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर है। ये देखिए, अगर मान लिया ब्लूटूथ आपके गाड़ी में नहीं है और आप चाहते हैं या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके गाड़ी में ये ब्लूटूथ से नहीं दूसरे इंटरफेस से कनेक्ट होकर के आप इसका जितना भी म्यूजिक है, ऑडियो आउटपुट है, वो आपके गाड़ी में आए, तो FM के लिए इसको ऑन करना होता है, और जो भी अपना है बैंड सेलेक्ट कर लीजिए, उतने पे रेडियो ट्यून कर दीजिए, उसमें आवाज़ जाएगी विदाउट ब्लूटूथ। ना वो Spotify है, इसके अंदर यूट्यूब है, वाह फाइल है, और फाइल मैनेजर, इसके बाद एप्लीकेशन लिस्ट, तो ये एंड्रॉयड है टोटल, तो इसमें कहना ही क्या है, सारे चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर जो रिमोट मॉनिटरिंग का एप्लीकेशन है वो थोड़ा अलग है, इसके अंदर IP360 का है, जो कि मैं अपने घर में एक बहुत मस्त कैमरा मैंने मंगवाया, उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ।
इसमें मल्टीपल कैमरा एक साथ भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो उस ऐप का इंटीग्रेशन दिया गया है। जीपीएस टेस्ट करने के लिए ये है कि जीपीएस का कितना कॉन्स्टेलेशन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखते हैं। कार कीपर सर्वर भी है। आप सेटिंग में अगर जाएंगे तो इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे 4G स्टेटस है, जो मैंने सिम लगाया हुआ है तो इसलिए 4G स्टेटस ओपन वगैरह दिख रहा है। इसमें जो एप्पल कार है ये इसको इनेबल डिसेबल यहाँ करना है तो कर सकते हैं। ब्लूटूथ का कौन सा मीडियम आपको चाहिए, कार में इसका साउंड जाए या मोबाइल ब्लूटूथ, तो टू वे इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ नाइस। वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, इसको दबा के रखता हूँ, जस्ट एक मोबाइल फ़ोन जैसा, और मैं अपने जी फोल्ड से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क भी आपको दिख रहा है, वोल्टी से कनेक्टेड है, रिकॉर्डिंग यहाँ पे 21 सैटेलाइट से ये कनेक्टेड है गाइस। अब जल्दी से YouTube मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। अब इसका ब्लूटूथ जो है अपने गाड़ी के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये ब्लूटूथ से चल रहा है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे ये 700 है, इसका डिस्प्ले लाजवाब है, दो ऐसे ऐसे 10.5 इंच के स्क्रीन है, ये सेम स्क्रीन है। साइज अगर मैं उल्टा करके आपको दिखाऊं तो ये आप देखेंगे, ये देखिए सेम 10.5 इंच के स्क्रीन है, राइट। अब ये जैसे आप देख पा रहे हैं गाइज, ये है इसका रिकॉर्डिंग का फुटेज। ये कैमरा स्थिर है, ये मतलब गाड़ी रुकी हुई है इसलिए, अदरवाइज बट टाइमिंग आपको दिख रहा है, ये अपडेट हो रहा है। तो ये इसका रिजोल्यूशन है रियर कैमरा से। नेक्स्ट करेंगे तो फ्रंट कैमरा, ये इसने भी रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये जो है ये आपको तार वगैरह सारे यहाँ पे दिख पा रहा है, यहाँ पे स्पीड गाड़ी की दिखती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तक नोट होता है, और यहाँ इससे आपको क्लैरिटी दिख रही है कि क्या क्लैरिटी है। अब एक बात हो गई इससे इम्पोर्टेंट कि इसको लगाने के बाद क्या विजिबिलिटी में कितना मतलब डिस्टर्बेंस आएगा, तो जैसा इसका फॉर्म फैक्टर बनाया गया, वाइड स्क्रीन बनाया गया, इसके कारण हाइट कम है, तो हाइट कम होने के वजह से ज़्यादा विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं एक चीज़ और इसमें करता हूँ, जरा टैक्स के अंदर मैं कनेक्ट करता हूँ अपना एप्पल कार। वेलकम टू एंड्रॉयड ऑटो आ गया, कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल का इंटरफेस जो है ये हमारे इसके ऊपर आ गया, तो देखिए ये सबसे अच्छी चीज़ है गाइस। अब इसमें यू नो व्हाट्सएप वगैरह भी चला सकते हैं, साइजिक वगैरह चला सकते हैं, मैप्स चला सकते हैं, गुड। कोई भी आइटम अगर आप फुल स्क्रीन पे चलाते हैं ना, तो इस टाइम पे आपको एक बबल टाइप का आ जाता है, तो ये जो बबल है ये बेसिकली यू नो इसका ब्राइटनेस वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है। ये देखिए वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम यहाँ से 100 कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस ये 100 है तो ये इतना ब्राइटनेस है। इसके बाद फिर होम बटन जाना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हैं एग्जिट। अब ऑटोमेटिकली आपका एंड्रॉयड ऑटो बार बार कनेक्ट हो जाता है जब भी विसिनिटी में आते हैं, तो मान लिया आपको ऑफ़ करना है, तो उसके लिए होम पे जाने के बाद सेटिंग है, सेटिंग में आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। ये जो सेटिंग है यहाँ पे कारप्ले ऑटो ओपन है, इसको टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, राइट। टच रिस्पॉन्स आप देख ही पा रहे हैं, इसका ड्यूअल मोड में लगा सकते हैं। YouTube भी बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड यहाँ पे आपके फ्रंट एंड बैक ये दिख रहा है। नाउ अगर अब ये तो हुआ इसका इंफोटेनमेंट, अब इसकी खास बात बताता हूँ कि ये जैसा ये है डैश कैमरा, फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी। अब मैं कार को ऑफ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखिए इसमें स्लिप मोड में चला जाएगा। आगे के कैमरा या पीछे के कैमरा से अपने मोबाइल पे अलर्ट भी देख सकते हैं कभी भी। सो गाइस ये था एक छोटा सा आज का एक छोटा सा यू नो वीडियो, जो मैं ये डिवाइस मंगवाया अपने यूज करने के लिए, मुझे लगा आपके लिए ये यूजफुल हो सकता है, खास करके अगर आप एक ऐसा डैश कैमरा देख रहे हैं या तो फिर ऐसा इंफोटेनमेंट डिवाइस देख रहे हैं जो कि
आपके सारी जरूरतों को पूरा करे। लाइक ये एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड है तो कोई भी एप्लीकेशन, अपना आपका ऑफिस का एप्लीकेशन, व्हाट्सअप हो गया, स्काइपी हो गया, कोई भी चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर कार को आपने किसी जगह पर लगा दिया है और वहाँ से दूर आ गए हैं तो कार को का ध्यान भी रख रहा है। तो एक मल्टी फंक्शन डिवाइस 5 GHz जो भी है चीज़ें इसके ऊपर मुझे मिला और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मुझे आशा आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इससे भी ज़्यादा एक एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।